तो कंज्यूमर को तो नोएडा पावर से मतलब है कि भाई पावर जो नहीं आया तो नोएडा पावर का एक मैं भी कंज्यूमर हूँ कहीं ना कहीं मैं भी इन सब चीजों से मेरा कोई इंपैक्ट होता है तो नेचुरली एक स्वाभाविक सी बात है कि भाई कंज्यूमर उस कंपनी को पूछेगा भाई मेरा बिजली क्यों नहीं आ रहा। अब हम ये बिजली कहाँ से ला रहे हैं, चाहे सिक्किम चला रहे हैं भूटान चला रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो बिजली टाइम से मिलनी चाहिए, निरंतर मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए, बिल टाइम से मिलना चाहिए और कभी कोई दिक्कत होती है रुकावट आती है तो उसके लिए कम से कम आपके पास में इतना उपाय होना चाहिए कि आप जाने कि आप कंपनी में पहुंच सकते हैं, अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं और अधिकारी आपकी बात आदरपूर्वक सुने, उसका एक अमेंटेबल सोल्यूशन निकाल के दें ताकि बढ़ाते रहेंगे। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा इन सबको अपना रिक्वेस्ट भी है, डायरेक्शन भी है। बिल्कुल 100% सर्विस मैंने प्रदान करने की कोशिश करूँ और काफी कुछ इंप्रूवमेंट भी लेके आते हैं लेकिन कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से बढ़ता जाता है। मेरे बच्चों की जितनी अपन लोग डिक्री करते रहते हैं तो ठीक है वो उससे सेटिस्फाइड होते हैं लेकिन जो कहीं आगे उनकी मांगें कहीं खत्म नहीं होती है बढ़ती जाती है। लेकिन ये एक अच्छी भी बात है इसलिए कि चलिए इससे हम लोगों को एक निरंतर सुधार करने का प्रयत्न मिलता है। मैं बहुत अच्छी सर्विस देता हूँ उसका इतना ज्यादा मायना नहीं जितनी कंज्यूमर ने महसूस करे। कंज्यूमर वास्तव में अपने आप में आपस में इसका सहायता चाहिए क्योंकि आज मान लीजिए हमने किसी भी एक सेक्टर में सारे ये फिल्म बॉक्सेज चेंज करके और नए करके ताला वाला सब लगा के लगा दिया, स्थिति ये होती है कि दो वीक में भी क्या एक वीक में भी क्या मैंने वापस खबरें आने चालू हो जाती है साहब वो वहाँ पे चार फिल्म ब्लर किसी तोड़ दिए। हम पुलिस के पास में जाते हैं तो उनका अपना कहना होता है कि भाई हमारे पास में इतने ज्यादा दूसरे महत्वपूर्ण होते हैं कि हम लोग उनके उनके बातें बड़ी छोटी छोटी होती हैं। मैं बोलता साहब ये बातें जब तक छोटी हैं कल हादसा हो जाता और कुछ हो जाता तो बात बहुत बड़ी बात बन जाती है। एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई वास्तव में मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन चलिए हम लोग सब आदि हैं और जैसे मैं कहने में झिझक नहीं हुआ कि भैया सरकारी कंपनी से काम कर रहे हैं कि सो रहे हैं। अब सीवर के जैसे मेन होल के गड्ढे हैं वो मैंने अपने सभी शहरों में देते हैं कि भाई लगाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, लगाते हैं फिर गायब हो जाते हैं और कोई दुर्घटना होती है बारिश में होती है कोई गिर जाता है अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि एक जागरूक उपभोक्ता के जैसे कंपनी के साथ मिलकर के इस योजनाओं को कैसे सफल बनाएं जिससे कि सबकी सुरक्षा इसमें सुनिश्चित हो और आपके बराबर निरंतर सुझाव और जो भी आपके सजेशन होंगे जो भी आपके अच्छे होंगे तो हम उसका स्वागत करते हैं। थैंक यू। क्या इनिशिएटिव लिए है कंज्यूमर बनाने के लिए और बहुत जगह पर हमने देखा कि कई चीजें निकल करके आई हैं जिससे समाज की में एक अधिकारियों की बढ़ती हुई ये चेतना है कि उनको कुछ काम करना है और ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी से काम करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर नेशनल कंज्यूमर फोरम आज की डेट में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के आने के बाद इसमें जो इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर है वह रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है और इसका जो नोएडा पावर कंपनी की तरफ से रेफ्रिजरेशन लाइसेंस है वो मैं वह इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जिनका ऑफिस लखनऊ में तुम्हारे दोस्त कर सकते हैं और इसके बाद जिसमें कंपनी का कुछ भी ग्रीवेंस होते हैं तो हम लोग भी इसमें जाते हैं। तो बाकी डिविजन फोर्स स्पेशल फोर्स डिविजन आते हैं एसएमएस आते हैं स्वर्णनगरी P1 P2 का दिस इज नॉट फेयर। जहाँ पे हो रहा है वहाँ का इन्फॉर्मेशन पहले दे सो दैट पीपल पहले से अपना काम जो भी कुछ है दे शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट लिस्ट दे दी जाए। हमारा दो या तीन सेक्टर से हमारी लिस्ट आई है तो अगर हमारे पास हमने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जो सेक्टर है वो सेक्टर के उसमें हमने मोबाइल नंबर डाले हुए हैं तो जब भी उस सेक्टर की बिजली जाएगी तो उसमें वो SMS डाल दिया जाएगा। तो कुछ SMS ऐसे भी हैं जो जनरल SMS हैं वो इसलिए होते हैं कि कई बार हो सकता है कि आपके कुछ एरिया सेक्टर का एक पीरियड से हो रहे दूसरे पीरियड से हो रहे तो वो सेग्रेट नहीं किया जा सकते इसलिए कॉमन मैसेज हो जाते हैं। जो पेड है ना इसको भी थोड़ा सा और आगे ले जाओ नीचे ले जाओ पावर का सोर्स था वो बंद हो गया था मंडे से वो 12 मेगावाट का सोर्स दोबारा काम हो रहा है मंडे से चालू हो गया था आप नहीं ऐसा है कि जैसे हमारे 500 सोर्सेस से बिजली आ रही है जैसे एक सोर्स में पावर प्लांट में कहीं प्रॉब्लम आई
तो उन्होंने 10 मेगावाट बिजली हमारी कम कर दी। तो 10 मेगावाट बिजली कमाने से क्या नेचुरली अब वो क्या दो दिन या तीन दिन का इंटरप्शन है तो वापस मंडे से चालू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, डिस्कनेक्शन खाली जो जिन लोगों का पेमेंट टाइम से नहीं आता है उसमें जो डिस्कनेक्शन होता है, अगर डिस्कनेक्शन होता है या कहीं पावर कैप का कोई ऐसा इंक्रीज पाया जाता है तो वहाँ डिस्कनेक्शन करते हैं। और सब लोगों को मालूम है एक्चुअली में बिल के पीछे छपड़ा रहते हैं कि आपको अपने बिलों का पेमेंट कैसे करना है, कितने दिनों के अंदर करना है। तो फिर भी कोई ऐसी कंज्यूमर कभी कभी कुछ कंप्यूटर से भी गड़बड़ होती है, जैसे मान लीजिएगा बिल का लास्ट डेट निकल गया, पेमेंट का लास्ट डेट निकल गया लेकिन कंज्यूमर ने आके पेमेंट जमा करा दिया है, कुछ ऐसी गलतियां मेरे नॉलेज में आई हैं। और नए नए टेक्निक सारे हैं, नए नए टेक्निक जैसे वेबसाइट दोनों बंद हुआ डिस्कनेक्शन, उसमें ऐसा होता है कि एडमिनली आता है घर में आदमी और देखता है कि लाइट नहीं, बहुत रीजनेबल हम आप पत्रकार तो मैं समाज को साथ दे। सेकेंड थिंग, लाइट कटने का जो डेट होना चाहिए रीजन फॉर माई साइड, इट मस्ट बी लाइक फ्रॉम फर्स्ट टू 15th लाइक दैट, इट्स पॉसिबल मोस्ट का वॉट सर। यहाँ पे सैलरीड लोग हैं, तनख्वाह आती है उससे वो गुजारा करते हैं। आप 28 तारीख को किसी की लाइट काट देंगे तो उसे घर में सिर्फ कलेश होगा, कुछ नहीं होगा। राइट सर, और एक फ्राइडे इवनिंग को नहीं कटनी चाहिए साहब, जो क्रिकेट फिलहाल बोलेंगे जो क्रिकेट में चाहे तब नहीं कटनी चाहिए। ऐसा है कि जो कंज्यूमर है वो तो आपका पैसा देगा ही देगा, वो कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, आपको घर में कलेश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सैटरडे कर सकते हैं, मैंने एटीएम है, एटीएम में जमा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बट सैटरडे संडे सर पूरे